अकोला 24 न्यूज़ में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। मंगलवार 30 नवंबर के रोज हाईवे क्रमांक 6 रिधुरा के पास विशेष दस्ते के बायोडीजल के अवैध पंप पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें 4000 लीटर बायोडीजल सहित टैंकर एवं ट्रक को जब्त किया गया। अकोला में अवैध बायोडीजल धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जिसकी पुष्टि पुलिस के विशेष दस्ते की मंगलवार को हाईवे पर रिधुरा एक पंप के खिलाफ की गई कार्रवाई में हुई। घटनास्थल से 4000 लीटर सहित एक टैंकर एवं एक ट्रक जब्त किया गया। जब्त माल की कुल कीमत 25 लाख रुपए अंकी गई है। इस मामले में 3 आरोपियों को कब्जे में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन वाले विशेष दस्ते के प्रमुख विलास पाटिल को जानकारी मिली कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 अकोला बाला पर ग्राम रिधोरा में कलकत्ता ढाबे के समीप नूरखा के गैरेज के पास वाली खुली जगह में बायोडीजल का जखीरा कर पंप के जरिए उसे अवैध रूप से बेचा जा रहा है। इसी टिप के आधार पर श्री विलास पाटिल अपने दस्ते तथा बालापुर के आपूर्ति विभाग के निरीक्षण अधिकारी अर्चना भगत के साथ घटनास्थल पहुंचे, जहां बायोडीजल के अवैध जखीरे के साथ एक ट्रक तथा एक टैंकर कब्जे में लिया गया। इस मामले में गुजरात के राजकोट के रहने वाले अजमल भाई इब्राहिम, राजस्थान के देवगढ़ निवासी हिम्मत सिंह बोरसी और अकोला के पुराना शहर परिसर में रहने वाले सैयद यूनुस सैयद यूसुफ को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ बालापुर थाना में जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। अकोला 24 न्यूज के लिए असगर खान की रिपोर्ट।